ध्यान के बारे में बात करेंगे, और ध्यान जो है उसकी परिभाषाएं भी आएंगी इसमें। ध्यान से वास्तव में हमारी मेंटल फैकल्टीज़ भी स्ट्रांग होती हैं, धारणा शक्ति बढ़ती है, धारण करने की शक्ति, याद रखने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए ध्यान का लाभ आप सबको मिलेगा जितने यहाँ बैठे। ध्यान कैसा हो, किस तरह से हो, इसके ऊपर एक गीत है। एक्चुअली आज का जो ध्यान है, विशेष रूप से आज का ध्यान सविता देवता के ऊपर है, सविता देवता सूर्य भगवान के ऊपर, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हीं को हम लोगों के आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया, और हम लोगों ने सविता देवता का ध्यान करते हुए अपने आप को आंतरिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाया। सभी आप सभी लोग सूर्य का ध्यान करते हो, तो सविता देवता का जो गीत है उसको सुनिए, बहुत सुंदर गीत है। ये गीत जो है गुरुदेव की श्रद्धांजलि पर्व मनाया गया था 1990 में, उस समय तैयार किया गया था, इसकी धुन बनाई गई थी, और इसकी धुन सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जाना। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जाना। जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक, जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक, सुनो इसे पहुँचाना। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जाना। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारे ही सब जगह पहुँच है, मिले सहारा हमें तुम्हारा यह हम सबका हक है। कष्ट दिया तुमको कि तुम्हारी ही सब जगह पहुँच है, मिले सहारा हमें तुम्हारा यह सब सबका हक है। हम लाखों बच्चों के हित लाखों बच्चों के हित तुम इतना कष्ट उठाना। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जाना। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जाना। हित साथ तुम्हारा हम हरदम पाएंगे, सिसकेगा तो हृदय मगर यह कह कर समझाएंगे। लक्ष्य पूर्ति हित साथ तुम्हारा हम हरदम पाएंगे, सिसकेगा तो हृदय मगर यह कह कर समझाएंगे। वन विराट प्रभु सतत साथ है, वन विराट प्रभु सतत साथ है, रे मन मत घबराना। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जान। ओ सविता देवता, संदेशा मेरा तू ले जान। लोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे, आत्मशक्ति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। सत्य लोक में तुम्हें मिलेंगे वे हम सबके प्यारे, आत्मशक्ति पाएंगे सुनकर यह संकल्प हमारे। लिया बहुत हम सब ने अब तो, लिया बहुत हम
है अब है फर्ज निभाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तू ले जाना, जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक, जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुँचाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तू ले जाना, ओ सविता देवता संदेशा मेरा तू ले जाना, संदेशा मेरा तू ले जाना, संदेशा मेरा तू ले जाना। ये सविता देवता को संबोधित एक ऐसा गीत है जो अपने आप में अनूठा है, हमारी कवियत्री जो थी माया वर्मा उनका लिखा हुआ था, और इसके माध्यम से हम अपने गुरुदेव तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मतलब सूर्य भगवान जो हैं वो तीनों लोकों में समव्याप्त हैं, और हमारा संदेश है गुरुदेव तक पहुंचा सकते हैं, जो उस समय शरीर छोड़ के गए थे गुरुदेव, समाधि ली थी उन्होंने 2 जून 1990 को। आइए आज इसकी बात करें, इसके पहले थोड़े से प्रश्न हैं उनकी बात कर देता हूँ। बंधन में कौन बंधता है, जीव या आत्मा? आत्मा जो है वो ऐसे बंध जाती है कि आने वाले कई जन्मों तक वो हमको बंधी दिखती है। जीव जो है वो आत्मा का ही प्रतिरूप है एक प्रकार से। अच्छे बुरे कर्मों के फल को भी कौन भोगता है? अच्छे बुरे कर्मों के फल को सही अर्थों में वो भोगता है जो फिर से जन्म लेता है। जितने भी आते हैं हमारे भाग्य में कर्म, उन सबको हम जैसे जैसे निपटाते जाते हैं, करते चले जाते हैं, सत्कर्मों के माध्यम से दुष्कर्मों की काठ ढूंढी जा सकती है। अच्छे कर्म करें तो बुरे कर्म काम जो किए हैं उनकी छाप मिटती जाएगी। धीरे धीरे हम जैसे जैसे सत्कर्मों का ग्राफ बढ़ाते जाएंगे दुष्कर्म कम होते चले जाएंगे हमारे जो बुरे कर्म, पर ये नेगेटिविटी जो है उनकी वो बनी रहती है। उसको कैसे मिटाएं? जितना ज़्यादा हम अच्छा कर सकें, जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कर्मों की फसल बो सकें उसी के माध्यम से। तो कौन भोगता है? आत्मा भोगती है, आत्मा। और ये आत्मा जो है अनवरत चल रही है, आत्मा पथिक है, शरीर सराय है। गुरुदेव ने एक किताब लिखी थी, शरीर सराय आत्मा पथिक। आत्मा क्या है? यात्री है, चली आ रही कंटिन्यूस ऑनगोइंग प्रोसेस, जन्म लेती हुई चली आ रही है। कभी इसमें ठहर गए, कभी उसमें। जैसे हम जाते हैं तो हम आठ नगरों में होते हुए जाते हैं, तो 8 नगरों में अलग अलग जगह ठहरते हैं। किसी में होटल में ठहर गए, किसी में धर्मशाला में ठहर गए, किसी में हमारे रिश्तेदार थे उनके यहाँ ठहर गए। ऐसे ही आत्मा जगह जगह ठहरती हुई चली जाती है, जगह जगह ठहरती हुई जाती है। वहाँ उसको जो है आत्मा को रिसाइड जहाँ करती है वहाँ भुगतना पड़ता है। और शरीर क्या है? जिसका भी शरीर लेंगे वो शरीर जो है भुगतेगा, उसको शरीर को भुगतना पड़ेगा। शरीर सराय है, सराय वो होती है जहाँ आप चेंज करते हैं अपना रेजिडेंस। हाउ टू डेवलप डिसीजन पावर? डिसीजन पावर हैज़ टू बी डेवलप्ड कॉन्स्टेंटली बाय थिंकिंग ओवर व्हाट यू हैव डिसाइडेड, व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट गोल, व्हाट इज़ योर अल्टीमेट थिंग विच यू हैव थॉट ऑफ अबाउट यू योर सेल्फ। आपने अपने बारे में सोचा क्या है? उसको डेवलप करने के लिए डेली कई बार उसके बारे में सोचो। अच्छा गोल है, अच्छा डिसीजन पावर है, तो डिसीजन पावर को मजबूत करने के लिए कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट। एंड हाउ टू डेवलप इट? उसको उसकी टास्क बनाओ एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे इसके लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो कौन करता है ये? ये हमारी आत्मा, ये हमारा मन, ये करता है। थोड़ा सा गीता में अलग मैन्यू सेंस में है ये, पर मैं बस सुना देता हूँ। आत्मा ही हो आत्मनो बंधु आत्मनिरूपो आत्मना उद्धरेद आत्मनम आत्मनम नात्मनम उसादेत, उद्धरेद आत्मनम आत्मनम। अपना उद्धार स्वयं करो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो कौन करेगा डिसीजन पावर लेने में मदद? आपका स्वयं का मन। तो मन को इतना स्ट्रांग बनाओ, मन इतना स्ट्रांग बनता चला जाए ग्रेजुअली, कि आप अपने डिसीजन पावर को
ग्रेजुअली ग्रेजुअली इतना ज़्यादा रिवाइज़ करें कि अब जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो ये सोच के बनता है कि मैं रोज़ इसके बारे में सोचूंगा, कोई इंजीनियर बनता है तो उसी के बारे में सोच के बनता है, और उसके अलावा भी कोई आपका गोल डिसाइड करते हैं तो उसके हिसाब से। पर जितना आप स्ट्रांगली सोचेंगे उतने ही आपके मैग्नेटिक पावर, अट्रैक्टिव पावर उसका बढ़ता चला जाएगा, और उतने ही अच्छे विचार, उतने ही वैसे समधर्मी विचार आते चले जाएंगे, तो उसके लिए पावर आता जाएगा, शक्ति आती चली जाएगी। महावीर जयंती की शुभकामना भाई, आपको भी सबको महावीर जयंती की शुभकामना। आज महावीर जी का जो भी कुछ है पर्व है आज, और महावीर जी के बारे में बहुत उदाहरण दिए मैंने, एक छोटा सा उदाहरण आज देता हूँ। महावीर ने मतलब चूँकि पिछले जन्म इस जन्म की कहानी है, पिछले जन्म में उन्होंने अपने राजा थे, अपने राज में सोए हुए थे कहीं पलंग पर, और शैयापाल यानी जो पलंग का देख रेख करता है वो कहीं उनको पैर दबाते दबाते सो गया, सो गया तो उनके बिस्तर पे सो गया, मतलब वो सोए हुए थे एक तरफ, और दूसरी तरफ उसको शैयापाल भी सो गया, मतलब आधा हिस्सा उसका ऊपर का हिस्सा। महावीर दो तीन बार बोले उसको, अरे भाई कौन हो तुम, कौन उठे हो, उठो यहाँ से। फिर उन्होंने घंटी बजा के बुलाया लोगों को, वो आए तो बोले इसके कान में खूंटे गाड़ दो, इसके कान में खूंटे गाड़ दो, सुनता नहीं है और यहाँ सो गया, मेरी बात को सुना नहीं इसने, और ये गलती इसने ये की कि राजा क्या इसने गलत काम किया। अब ये तो कर्म हो गया, कर्म तो महावीर के हाथों हुआ, महावीर के कम से कि कर्म के लेखे जोखे में लिखा गया। अगला जन्म जब आया तो महावीर समाधि लेने गए, जब समाधि ले रहे थे, समाधि की स्थिति में पहुंचते थे तो बार बार रुक जाती थी समाधि, अटक जाती थी, तो उनको फिर उसी समाधि की स्थिति में एक ख्याल आया कि कहीं कोई हमसे गलत काम तो नहीं हुआ है पिछले जन्म में, या इसी जन्म में हो गया हो, पिछले जन्म में हो गया हो। तो उनको याद आया कि हाँ, हमने अपने सर्वेंट को बुरी तरह से डांट लगाई थी, और डांट ही नहीं लगाई थी जब तक उसके कान में से खून नहीं आ गया, तब तक उसमें खूंटे गड़वाए थे। बहुत उनको याद आई, और याद आने के बाद बहुत परेशान हो गए। फिर उन्होंने अपने आप से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, मुझे भी वही दंड मिलना चाहिए। बाजरे का खेत था, ज्वार का खेत था एक तरफ, ज्वार और बाजरा के जो खेत के खूंटे होते हैं, वो जो स्टॉक्स होते हैं, जो बहुत पेने होते हैं, उनके बीच में बैठे हुए ध्यान कर रहे थे। इतने में एक उन्होंने इधर से पुकारना चालू किया, हे शैयापाल, मैं तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा हूँ, तुम आओ, फिर से आओ, मुझे दंड दो, हे शैयापाल तुम आओ। इतने में वही शैयापाल ढूंढता ढूंढता आया, और उसने पूछा उनसे, अब वो बोल रहे हैं तो समाधि की स्थिति में बोल रहे हैं, उसने पूछा, तुमने हमारे गायबेल देखे, गायबेल इधर से गए हैं, गायबेल इधर से गए हैं। इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, तो वो ज्वार के खूंटे लाया और बाजरे खूंटे लाया और उनके कान में डाला उसने, और ज़ोर से ठूंस दिया उसने उनके। मतलब कर्म का फल जो है वैसा के वैसा ही मिलता है, ऐसा कभी उदाहरण बहुत रेयर होते हैं, वैसे के वैसे ही मिला। उनके कान में से जैसे ही रक्त निकला, जो उनकी मेम्ब्रेन फटी, ये मेम्ब्रेन फटी, उसके बाद उनकी समाधि लग गई, ध्यान हुआ, समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि कर्म का परिपाक हो गया, कर्म पक गया। ये महावीर के जीवन की एक बड़ी विलक्षण कहानी, और भी कई कहानियाँ हैं उनकी, पर महावीर जो हैं उन्होंने सबसे बड़ा जो हमको मंत्र दिया वो दिया अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। उस अहिंसा को ही गांधी जी ने लिया और सब ने लिया, पर अहिंसा कैसी होनी चाहिए वो भी उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया था। इसलिए ऐसे अहिंसा वाले महावीर जयंती में, महावीर जयंती को हम प्रणाम करते हैं आज। ये कि लिखती है हमारी बिटिया, जब भी कुछ रचनात्मक सोचती हूँ तो इसके विपरीत होता है, जब मैं कुछ विपरीत सोचती हूँ तो वो सही हो जाता है, मैं किसी के लिए भी अच्छा सोचूँ तो कैसे होता है विपरीत है, क्या करना चाहिए। बट कभी कभी कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है कि कुछ सोचते हैं और हो जाता है वैसा, पर अगर अच्छा आप अच्छा सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली उसी के बारे में सोचोगे कि इसके लिए अच्छा होना चाहिए तो हमेशा अच्छा होगा, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कॉन्फिडेंस। कन्यादान क्यों किया जाता है, इसको कोई और नाम दिया जा सकता है क्या? अब हमारे शास्त्रों में तो इसका नाम लिया गया है, पर कन्यादान के नाम को बहुत कुछ बदलने की वकालत चल रही है इस समय। एक कन्या का दान नहीं किया जाना चाहिए,
कन्या का वरण होता है, किसी के हाथों वरण होता है, वरण होना चाहिए बजाय कन्या दान के। पर चूँकि पिता हैं और पिता कन्या को दे रहे हैं और वो ले रहा है, तो फिर क्या हो जाता है, वो दान की दी हुई चीज़ का उपयोग दुरुपयोग सब तरह की चीज़ हो सकती है। इसलिए ये शब्द बदला जाना चाहिए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च। हमारे इस आज के उद्बोधन में उपस्थित सभी हमारे छात्र छात्राओं, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी उपस्थित हमारे स्टाफ के, फैकल्टी के सदस्य और अन्य सदस्य, आज ध्यान है उगते सूर्य के, उगते सूर्य की प्रशंसा। उगते हुए सूर्य का ध्यान है, ध्यान मन की एकाग्रता है, ध्यान की परिभाषाएं हैं उनको सुनो। ध्यान मन की एकाग्रता है, ध्यान मन की स्थिरता है, स्थिर हो जाता है जब। मन हमारा बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि प्रमथन स्वभाव वाला, जबरदस्ती खींचने वाला, बलवत बलवान है, दृढ़म मजबूत है। मैं कैसे इसको मजबूत, ध्यान को कैसे लगाऊँ, ध्यान लगता नहीं मेरा। तो भगवान कहते हैं मैं जानता हूँ कि चंचल है, तो मन चंचल होता है, तो कैसे क्या करें। उन्होंने कहा अभ्यास इन तो कौनते वैराग्यण से गृहते, अभ्यास से और वैराग्य से पकड़ में आता है, दो चीज़ों से। अभ्यास डेली प्रैक्टिस करो, डेली जब मन लगे तब प्रैक्टिस करो। आप बैठे हो गाड़ी में, टाइम है आपके पास, खूब चुपचाप बैठे हो शांत, तो आप उस समय ध्यान कर सकते हो। ध्यान कभी भी कर सकते हैं, आँख खोल के भी कर सकते हैं, आँख बंद करके भी कर सकते हैं। मन की स्थिरता, मन को स्थिर बनाने की कोशिश करो। ध्यान मन की तन्मयता है, स्थिरता से तन्मयता की ओर। ध्यान मन की तल्लीनता है, तत् मिल तत् लीन, उसमें लीन, उसमें हम लीन हो जाएं। किसमें, जो हमारा विषय वस्तु है उसमें। ध्यान मन का तादात्म्य है, तादात्म्य वैसा ही हो जाना जैसा हमारा विषय है। जैसे हम सूर्य का ध्यान करेंगे, सूर्य जैसा हो जाए। ध्यान मन का विसर्जन है, ध्यान को, ध्यान में मन को विसर्जित कर देते हैं हम, उसमें पूरी तरह से लगा देते हैं। ध्याता ध्येय और ध्यान एक हो जाते हैं, ध्यान करने वाला और ध्येय हमारा गोल और हमारा ध्यान, ये तीनों मिलकर के एक हो जाते हैं। प्रगाढ़ हो जाते हैं तो समाधि का अनुभव होने लगता है। ध्यान करने वाला और ध्यान जिसका किया जाता है, जितना जितना प्रगाढ़ होते जाते हैं उतना उनके बीच में तादात्म्य हो जाता है। जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाता है तादात्म्य हो जाता है, ध्यान उनका बनता है। साधना जब हम करते हैं, शरीर की स्थिरता और मन की स्थिरता, यहाँ से साधना शुरू होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि अगर आपको दही जमाना है तो आप मटकी में जामन जानते हो ना क्या बोलते हैं, जिससे दही जमाया जाता है, दही का जामन डाल के, दूध डाल के, फिर उसके बाद अपन मटकी को हिलाते डुलाते नहीं है, चुपचाप शांत रख देते हैं स्थिर। इसलिए जब आप हिलोगे डुलोगे तो आपका मन नहीं लगेगा। आप ध्यान तो करते हो पर क्या है, कभी ऐसा किया, कभी ऐसा किया, कभी ऐसे खुजली चल रही इधर, कभी यहाँ इधर इधर कुछ दर्द हो रहा है, तो ये जो मन जो है उसके स्थिर शरीर के साथ, अस्थिर शरीर के साथ गड़बड़ा जाता है। हम कोशिश करें कि हम स्थिर करें अपने शरीर को। शरीर स्थिर होगा तो मन भी लग जाएगा, मन भी स्थिर हो जाएगा। इसलिए शरीर की स्थिरता, मन की स्थिरता, थोड़ी देर के लिए आराम संभव, अगर हो सके तो कोच पे या किसी कॉट पे थोड़ा लेट जाओ, लेकिन मन को स्थिर कर पाना उतना संभव नहीं है। मन के साथ हमें पता नहीं कब कहाँ बहने लगते हैं विचारों के प्रवाह, विचारों की उथल पुथल, विचारों की लहरें हमको ले जाते हैं खींच के। कई बार हम क्या सोचते हो, क्या से क्या पहुंचते चले जाते हैं, फैंटेसीज़, कई तरह की फैंटेसीज़, कई तरह की कल्पनाएं हमारे मन में आ जाती हैं। सोते समय शरीर टिका रहता है, शरीर बिस्तर पर लेटा रहता है,
एक करवट में लेटा रहता है, सोते समय भी मन चंचल रहता है। हमको लगता है सोते समय तो हम ध्यान करते ही हैं, क्यों सोते में ध्यान करते हैं ना, नहीं ध्यान नहीं करते, और मन चंचल रहता है उस समय, ऑटोमेटिकली चंचल रहता है, मन सपने देखता है, मन में अलग अलग ढंग का ताना बाना बुना जाता है, कुछ ना कुछ मन में चलता ही रहता है, जो चलता रहता है वही हमको दिखाई पड़ता है सपने के रूप में, डामाडोल स्थिति बनी रहती है। मन अगर अच्छे के साथ जुड़ता है तो सुख महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, बुरे के साथ जुड़ता है तो दुख महसूस करता है, उद्विग्नता महसूस करता है। कई बार तुमने देखा हो तुम सो के उठे तो, या ध्यान के बाद उठे तो तुम बड़ा दुखी महसूस करते हो, कई बार ऐसा लगता है क्या 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 कुछ देख लिया हमने, ये उस समय जो जिससे जिस प्रवाह के साथ जुड़ गए उसकी वजह से। अगर मन में तेजी से अचानक किसी नकारात्मक विचार का प्रवेश हो जाए तो आप दुखी हो जाते हैं, उद्वेलित हो जाते हैं। हमारे पास एक खबर आए, ऐसी घटना घट गई है, उस खबर से हम परेशान हो जाते हैं। खबर मिले कि हमारे किसी प्रियजन का एक्सीडेंट हो गया है, चोट लग गई है, फिर हमारे प्रियजन से जुड़े हुए इंसिडेंट्स हैं, जितने हमारे संस्मरण हैं, जितने घटनाक्रम हैं, वो सब हमको याद आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अब क्या करेंगे, अब यहाँ से फ़ोन करेंगे, उसके बाद फिर पता लगाएंगे क्या करना चाहिए, हम जा सकते हैं क्या, ये पता लगाते हैं। हम मानसिक रूप से व्यथित हो जाते हैं, तुरंत ही मन एक नकारात्मक विचार की ऊर्जा जुड़ जाता है, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे इसमें घटनाक्रम में, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी, उनके घर में कौन कौन है, ये हैं ये हैं ये हैं, ये याद आ जाता है। मात्र कल्पना में ऐसे विचार आ जाए, वास्तविकता में हुआ ना हुआ हो, पर तब भी हम परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि हमारा मन कहाँ और किससे जुड़ता है, किससे, पॉजिटिव विचार से जुड़ता है, नेगेटिव विचार से। मन को संवारना और जीवन को संवारना, यही ध्यान है। ध्यान की परिभाषा है मन को संवारना और जीवन को संवारना। मन को संवारने की कला है ध्यान, मन को संवारने की कला है। हम शरीर को तो संवारते हैं, कंघा कर लेते हैं, हम मेकअप कर लेते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, पर मन को संवारने की हमने कला सीखी कि नहीं। मन को संवारने की कला जिसने सीख ली उसको ध्यान करना आ जाएगा, ध्यान करना आ जाएगा, ध्यान के माध्यम से मन को संवारना, ध्यान करना सीख जाएंगे तो मन संवरने लगेगा। प्राय हम सभी भले स्वस्थ शरीर लेकर जी रहे हों लेकिन मन हमारा बीमार, मन हमारा बीमार है, मन में कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई कसक, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई संवेदना की दृष्टि से नाजुक मोमेंट है, ऐसा आ गया है जिसकी वजह से हम बीमार हैं। शरीर की बीमारी का होके रहती है अगर मन बीमार है तो। आजकल एक डिसऑर्डर है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइक यानी मन, सोमेटिक यानी शरीर, डिसऑर्डर यानी बीमारी, मन से शरीर का बीमार होना, मन से शरीर का बीमार होना। मन जरा भी दुखी है, मन जरा भी परेशान है तो हम मन की वजह से भी दुखी हो सकते हैं। इससे उल्टा एक और है, सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर, अगर हमारा शरीर बीमार है तो उसकी वजह से हमारा मन बीमार हो सकता है। इतनी कितनी तकलीफ होगी, इतने दिन से परेशान हैं हम और हमारा मन जो है उसको सोच सोच के परेशान हो जाता है, सोमेटोसाइकिक डिसऑर्डर। तो आजकल साइकोसोमेटिक और सोमेटोसाइकिक इन दोनों डिसऑर्डर्स की बहुतायत है। और ये क्यों है, क्योंकि जैसे मन और सोमा यानी कि शरीर, जैसे छत का पानी, छत में कुछ दरार हो तो टपक के रिस रिस के कमरे में आने लगता है। मन जो है हमारे जीवन की, हमारे शरीर की छत है, मन हमारे जीवन की शरीर की छत है, उससे पानी टपक टपक के आ जाता है, उससे नेगेटिविटी टपक टपक के आ जाती है, रिस रिस के परेशानी हमारे शरीर में उतर आती है, चाहे बैकएक के रूप में, चाहे माइलजिया के रूप में, चाहे हेडेक के रूप में, वो आएगी और हमको परेशान करेगी, हम पता ही नहीं चलता ये कब हो जाता है। फिर धीरे धीरे हमारी चिंता बढ़ती है, नींद आना कम हो जाती, भूख लगना बंद हो जाती है, और हम वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए हम चिंता सताने लगते हैं, हम एंग्जाइटी के पेशेंट हो जाते हैं, एंग्जाइटी कंटिन्यूस हमको हॉन्ट करती है, बराबर सताती है। हमारी चिंता, हमारा अवसाद, हमारा विषाद, हमारी चिंता एंग्जाइटी, हमारा अवसाद, हमारा डिप्रेशन, हमारा पर विषाद, हमारा जो एगोनी, कब हमारी भूख खत्म कर देता है, नींद खत्म कर देता है, हमें पता ही नहीं चलता। 100 में से 99 इस तरह के मानसिक कारण होते हैं जिन्हें भूख और नींद उड़ने के, जबकि 100 में से एक कारण होता है शायद किसी शारीरिक कारण से भूख और नींद हमारी कमजोर पड़ गई। मानसिक कारण से हमारी भूख बहुत ज़्यादा गड़बड़ाती है, मानसिक कारण, क्यों क्या हुआ, क्यों खाना क्यों नहीं खा रहे हो, एक आधी रोटी खाई और वहीं चुप हो गए, क्यों, माँ बेटी कहती बच्चे से आज मन नहीं है, मन नहीं, ऐसे क्यों बोलते हो, मन नहीं है, अरे भाई शरीर है ये तो शरीर के लिए खाओ ना, नहीं शरीर परमिट ही नहीं कर रहा है, हमारा मन ही नहीं लग रहा है खाना खाने में। भूख और नींद, जब नींद हमारी कायम होती है, भूख हमारी कायम होती है तो भूख और नींद बरकरार रहती है। जब हमारा मन खुश होता है, जब मन खुश हो, प्रसन्न हो, प्रफुल्लित हो, ऐसा कुछ अगर हम कर सकें, मन की प्रसन्नता जिससे टिकी रहे,
उसका नाम है ध्यान। मन की प्रसन्नता, सस्टेंड प्लीजिंग स्टेट ऑफ माइंड, सस्टेंड टिकी रहे बिल्कुल कंटिन्यूअस, कहीं दुखी नहीं होना, हंसो हमेशा खुश रहो, दुखी क्यों रहते हो, नाम ही कोई दुखी राम रख देगा तुम्हारा, दुखी अबाई रख देगा तुम्हारा नाम कोई, क्यों क्यों दुखी होते हो आखिर, किस क्या बात है कि तुम दुखी हो जाते हो, बात बात में दुखी हो जाते हैं। किसी दुखी व्यक्ति से कोई बात भी नहीं करना पसंद करता है, प्रसन्न व्यक्ति से सब बात करना चाहता है, खुश रहता है सब बात करना चाहते हैं। आपने देखा होगा जो खुश रहता है उसके 36 मसल्स, ये हमारे फेस में 36 मसल्स हैं, ये सारे रिलैक्स हो जाते हैं जो खुश रहता है, और जो उदास रहता है उसके सारे मसल्स टेंस हो जाते हैं, बिल्कुल चेहरा इतना टेंस हो जाता है कि उसको देख के लगता है कि ये तो इस दुखी को देख करके मैं भी दुखी हो जाऊँगा, न देखूँ तो अच्छा है, मिलूँ तो न मिलूँ तो अच्छा है। कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसे न दिखें जैसे दुखी राम दिखते हैं, हम ऐसे दिखें जैसे सुखी लोग दिखते हैं। ठीक, अगर हम जीवनदायी तत्वों से जुड़ते हैं तो हमें जीवन मिलता है, अगर हमें जीवन में स्फूर्ति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें जीवनदायी तत्वों से जुड़ना चाहिए, विनाशक तत्वों से नहीं। कभी कभी हम जानबूझ कर जुड़ते हैं, कभी कभी अनायास जुड़ जाते हैं। निषेधात्मक नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आने से अपने आप को बचाइए, निषेधात्मक नकारात्मक ऊर्जा के घेरे में आने से अपने आप को बचाइए। फिर क्या होगा, धीरे 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 आपकी ये ऊर्जा जो है, अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है, प्रदूषित पर्यावरण के माध्यम से, या तो प्रदूषित पर्यावरण के माध्यम से, आपका पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट है आसपास चारों तरफ, या फिर प्रदूषित व्यक्तियों के माध्यम से, कोई आदमी ऐसा पॉल्यूटेड है जो आपके अंदर आकर के बीज बो जाता है, ऐसा बीज बो जाता है कि देखो ये दुनिया जीने लायक नहीं है, मर जाना चाहिए अपन सबको, सबको देखो जिसको देखो भ्रष्ट लोग जिंदा है, सब 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 क्या फ़ायदा ऐसे जी संसार में जीने से, चलें अपन चलें, चल दरिया में डूब जाए। ये जो लोगों को, ऐसा लोग आदमी जो है नेगेटिव वाला, नेगेटिव टेंडेंसी वाला, ये आपको भी नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव का संपर्क मत करो, या तो उसको पॉजिटिव बना लो और या फिर उससे दूर रहो, ठीक है ना। जो लोग नशा करते हैं, नकारात्मक विचार रखते हैं, एक कैसे आप देखें नकारात्मक व्यक्ति की पहचान हम कैसे करेंगे, अगर हमें पहचान ना हो कौन व्यक्ति नकारात्मक है तो कैसे पहचाने, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है, हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा आतुर रहता है, आतुर मतलब बड़ा हताशा में रहता है और बहुत ज़्यादा गड़बड़ा सा रहता है। ऐसे नहीं, किसी भी कारण से आप उसको संतुष्ट नहीं कर सकते, उसका मन हर परिस्थिति में शिकायतों से भरा रहता है, अरे कुछ नहीं आज देखो ये हो गया, और आज देखो ये हो गया, आज जिससे कहीं अनाउंसमेंट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और देखो ध्यान की क्लास हो गई, देखो अब मतलब कुछ भी कहना है तो आकर के आदमी अपनी भड़ास कहीं ना कहीं निकालता है, और उस भड़ास से आपको परेशानी होती है। नकारात्मक पहलू जो देखता है उसको लगता है सारी कायनात, सारा जहान उसे दुख देने के लिए, सब मुझे दुख देने के लिए, ये जो है रजिस्टर साहब जबरदस्ती सर्कुलर निकाल देते हैं, डॉक्टर साहब वहाँ से क्लास लेने चले आते हैं, और हम सब जो हैं इतना आराम से मौज से दिन बिता रहे थे, नवरात्रि की ख़त्म हो गई, उसके बाद हम लोगों ने मजा किया और 4 दिन के अंदर फिर से आ गए। ये सोच सोच के हम अपने आप को बुरा करते हैं, हम अपने जीवन का विनाश करने लगते हैं, क्षरण करने लगते हैं। कुमति के बारे में, सुमति के बारे में रामचरितमानस में 4 पे आती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नान, जहाँ सुमति होगी वह संपत्ति होगी। संपत्ति क्या है, संपत्ति केवल पैसे को नहीं कहते, संपत्ति कहते हैं सद्बुद्धि को। जहाँ सुमति अच्छा विचार, अच्छा भाव, अच्छी सोच, और जहाँ कुमति, जहाँ सोच खराब हो गई, सोच नकारात्मक हो गई, वहाँ आपके पास आसपास चारों तरफ विपदाएँ आ जाएंगी, विपदाएँ। किसी को अगर कोई परेशानी हो ना हो, पर कुमति ना आने पाए उसको बुरे विचार ना आने पाए, बस उसको उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि सुमति में बने रहो तुम उसके लिए। सुमति को कैसे लाया जाए, सुमति स्थिर कैसे रहे, ये व्यवस्था ध्यान के द्वारा संभव हो सकती है। हम अपने विचारों से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, अपने विचारों से उसके मन में ध्यान पवित्र विचार का डाल सकते हैं। किसी भी पवित्र भाव का, किसी पवित्र विचार का, किसी भी सकारात्मक ऊर्जा का, धरती की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है ध्यान, तो अगर हम ये डाल दें उसके मन में तो शायद हो सकता है कि पॉजिटिविटी उसके मन को बदल दे पूरी तरह से। और इन सब का सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। सूर्य सूर्य धरती की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत है। जब सूर्य रहता है तब हम पॉजिटिव रहते हैं, सूर्य चला जाता है तो हम रात्रि में चले जाते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और बताऊंगा। सूर्य जो है शब्द, वो सू और इर मिल के बना है,
सूर्य, सुधन इर, सुंदर प्रेरणाएं देने वाला सूर्य। सुबह जब सूर्य उगता है तो कितने पॉजिटिव वाइब्रेशंस एकदम अचानक चले आते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अवेक। उस समय भी सोए हुए हैं, सूर्य निकल गया, अरे कब तक सोता रहेगा, माँ कहती कब तक सोता रहेगा, देख सूरज चढ़ाया आसमान ऊपर आकाश में, कहती ना माँ कहती, और ये कह करके आपको उठाती हैं सूरज, अरे सूरज चढ़ाया, अच्छा अच्छा कोई बात। ये जो अगर हम सूरज को उगते हुए देखना चाहें तो ये हमारी सबसे बड़ी इच्छा होनी चाहिए कि हम सूरज को उगते हुए देखें और दिन पूरा अपना धन्य बना लें, दिन पूरा धन्य। धरती को जो जीवन मिलता है, जो ऊर्जा मिलती है, उसका स्रोत है सूर्य। धरती को जीवन मिलता है, धरती को ऊर्जा मिलती है, धरती को शक्ति मिलती है, वो सूर्य से मिलती है। सूर्य ना हो तो धरती नहीं रहेगी। सूर्य धरती के रिश्ते थोड़े से भी डगमग होना चालू हो जाएं, धरती का जीवन भी डगमग होने लगेगा। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम धरतीवासी सूर्य की प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करने की कोशिश करेंगे। सूर्य की जब वंदना करते हैं और विनती करते हैं और हम कहते हैं सूर्यनारायण भगवान, सूर्यनारायण भगवान, सूर्यनारायण यानी जैसे हम सत्यनारायण कहते हैं और जैसे विष्णु नारायण कहते हैं, ऐसे सूर्यनारायण, सूर्य भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तीनों लोगों के पालनहार हैं नारायण, और उस नारायण का प्रतिनिधि धरती पर कोई है तो वो सूर्य है। अगर आपको नारायण को देखना हो तो नारायण को आप क्षीर सागर नहीं जा सकते, देख नहीं सकते उनको, पर आप नारायण के प्रतिनिधि को देखना चाहें तो सूर्य है। उदीयमान सूर्य सविता है, उदीयमान सूर्य सविता, सुवती प्रेरयति लोकम इति सूर्य, जो सतत प्रेरणा देता है कर्म करने की, सुवती प्रेरयति कर्मणि इति सूर्यम, जो सतत कर्म करने की प्रेरणा दे वो सूर्य। सूर्य के 12 रूप हैं, धरती पर कोई है तो सूर्य है। द्वादश आदित्य, कोई बता सकता है द्वादश आदित्य, बता सकता है किसी को याद है, हाथ ऊपर करके बताओ द्वादश आदित्य मालूम। अच्छा मैं सुनाऊँ, तुम लोग लिखोगे, लिखो चलो। पहला है रवि, याद था तुमको, दूसरा है सूर्य स्वयं, सूर्य नाम है, तीसरा है मित्र, मित्र, चौथा है भानु, भानु, पांचवा है खग, खग, छठा है पूषण, पूषण, छठा सातवां है भास्कर, भास्कर, हिरण्यगर्भ, फिर है हिरण्यगर्भ, फिर है मरीच, मरीच भी सूर्य का नाम है, फिर है आदित्य, फिर है सवित्र, सवित्र, और फिर है अर्क, अर्क, अर्क नाम से एक जड़ी बूटी भी होती है जिसको अर्क कहते हैं हम लोग, वो सूर्य से के उगने के साथ उसके अंदर प्राण आता है, और अर्क जो है वो बहुत बहुत ही कीमती औषधि है, बड़ी मेडिसिनल पावर वाली है। तो ये सूर्य के 12 नाम हैं, जिसने नहीं लिखे हों एक दूसरे से पूछ के लिख लेना वापस या सुन लेना, ठीक है। धरती जो है वो इन 12 रूपों का दर्शन करती है, पर जो सबसे पहला ध्यान स्वरूप है वो है सविता, सविता जो उगते हुए सूर्य का नाम है वो सविता है। हम सूर्य भगवान हमारा संरक्षण करते हैं, हमें पोषण देते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमें विटामिन डी देते हैं, हमें बहुत सारी खुराक मिलती है सूर्य के माध्यम से, हमें ऊर्जा का दान मिलता है, ऊष्मा मिलती है, पवित्रता देते हैं, प्रखरता देते हैं, पवित्रता, प्रखरता, ऊष्मा, ये सब हमको सूर्य के माध्यम से मिलती है। प्रसन्नता देते हैं, जीवन देते हैं, सूर्य के आते ही हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये बात अलग है कि दिन का सूर्य जो गर्मी के दिनों का सूर्य होता है बड़ा तेज होता है। अपने भारत हिंदुस्तान में सूर्य इतना प्रबली निकलता है तो बहुत सुंदर निकलता है, उसके बाद धीरे धीरे प्रखर होता चला जाता है गर्मी के दिनों में, वैशाख के महीने में देखोगे। मैंने अमेरिका में भी देखा, कनाडा में भी देखा, और साउथ अफ्रीका में भी देखा, सूर्य उगते ही इतना ज़्यादा प्रचंड हो जाता है कि आप देख नहीं सकते उसको। हमारे यहाँ आप सूर्य को देख सकते हैं, सूर्य में उगते हुए सूर्य को करीब करीब 10-15-20 मिनट तक देख सकते हैं आप, ठंड के दिनों में और ज़्यादा देख सकते हैं, देर तक देख सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हम संपर्क में आना छोड़ दिया हमें सूर्य भगवान के, इसलिए हम सूर्य से दूर चले गए। सूर्य से दूर चले जाने का मतलब नहीं है, हमें अब सूर्य दिखाई नहीं देता, हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं अपने बीच में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ सूर्य नहीं आता, वहाँ नहीं आता सूर्य, तो बाहर चले जाओ, छत पे चले जाओ, हमारी छत ही नहीं है,
हमारे खिड़की नहीं है सूरज की तरफ, तो और ऊपर ऊंची वाली छत पे चले जाओ, कभी तो जाके दर्शन करो। एक बार मैं कहता हूँ उगते हुए सूर्य का ध्यान करो, तो लोग पूछते हैं कैसा होता है, मैंने कहा उसको उगते हुए देखना पड़ेगा, जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। अब नीचे उतर जाओ, जमीन पे चले जाओ, वहाँ जाके देख लो पूरब की ओर। जीवन की प्रक्रिया, हमारी प्रणाली जो रिदम है हमारी, वो गड़बड़ाई रहती है सूरज के अभाव से। भारत की संस्कृति में, भारत की सभ्यता में एक सबसे बड़ा जो काम है, सत्य का अन्वेषण हम लोगों ने जो किया था, उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी जीवन प्रणाली, हमारी लाइफ स्टाइल सूर्य की अभ्यर्थना से जुड़ी हुई थी। सूर्य की अभ्यर्थना, हम लोगों ने तीन संध्याएं रखी, त्रैकालिक संध्या, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या, सांध्यकालीन संध्या, शाम की संध्या। सूर्य की प्रातः संध्या, मध्यान्ह संध्या, सायं संध्या, सूर्य की उष्मा और ऊर्जा के साथ हम प्रकाश की और आरोह अवरोह के साथ हम जुड़ते चले गए। ये संध्याकाल हमने सूर्य के साथ गहराई से जुड़ने के साथ प्रयास किया। सूर्य जो है ये वास्तव में संध्याकाल में हमें गहन अंधकार से निकालने की प्रक्रिया संपन्न करता है, यदि हम ध्यान करें तो। बहुत पहले की बात है, नेशनल ज्योग्राफिक एक मैगजीन आती है, अभी भी आती है, आपके यहाँ भी आती होगी शायद यूनिवर्सिटी में, उसको पढ़िए, उसमें पढ़ेंगे तो मैगजीन में आपको मिलेगा, उसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में, वैज्ञानिक ने धरती पर जो कुछ भी है वो सब सूर्य का दिया हुआ है, वो सब सूर्य का दिया हुआ है। उन्होंने अपने शोध अनुसंधान के माध्यम से कहा है या तो प्रत्यक्ष सूर्य है या परोक्ष सूर्य है। प्रत्यक्ष सूर्य वो रहा जो दिखाई देता है, जब चला जाता है तो परोक्ष सूर्य हमारे साथ रहता है। और प्रत्यक्ष सूर्य की उपस्थिति ये है, जहाँ चेतनता है वहाँ जीवन है, चाहे वहाँ वृक्ष वनस्पतियाँ हों। फोटोसिंथेसिस सूरज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है वो सारी प्रोसेस को पूरा कंडक्ट कराता है वो। जीव जंतु हों वो भी उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, सूर्य के बिना जीवन नहीं जी सकते। परोक्ष सूर्य की उपस्थिति है, जहाँ चेतनता नहीं है, जहाँ जड़ता है वहाँ पदार्थ है, पदार्थ भी प्रकारांतर से सूर्य की ऊर्जा से बने हुए हैं, सारे के सारे जितने पदार्थ हैं सारे सूर्य की ऊर्जा से बने हैं। इसलिए सूर्य हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सूर्य और धरती में बहुत प्रकार संबंध है, इसकी अनुभूति व्यक्ति का जीवन में बनी रहे इसके लिए वैज्ञानिकों ने बताया बायोलॉजिकल क्लॉक। एक तो घड़ी ये है, ये वाली जो आप रोज़ देखते हो, एक घड़ी वो है जो आपके हाथ में बंधी हुई है, मेरे हाथ में जैसे बंधी हुई है, मैं देखता हूँ इससे, मैं टाइम टेबल तय करता हूँ, पूरा तय करता हूँ कि टाइम पे हो जाए ख़त्म। जैविक घड़ी एक तीसरी घड़ी है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक। जैविक घड़ी क्या है, हमारा सोना जगना हमें सूर्य से जोड़े रखती है। ये घड़ी को ऐसी नहीं जो हमारे कमरे में टिक टिक करती हो, ये हमारे जीवन में धड़कती है, हमारे हार्ट रेट, हार्ट बीटिंग, हमारी रेस्पिरेशन। जैविक घड़ी ऐसी चलती है, स्लो फास्ट गलत नहीं चलती। जब ये जिनकी घड़ी राइट टाइम देती है बायोलॉजिकल क्लॉक, वो क्या है, अपने आप ही उनकी नींद खुल जाती है। सुबह उठेंगे तो नींद अपने आप खुल जाएगी आपकी, और रात को सोना है तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी। जितनी बजे सोना है, कब सोते हो मुझे मालूम नहीं, कब सोते हो, कितनी बजे सोते हो तुम लोग, 11 बजे, 10 बजे, तुम लोग 10 बजे, पक्का ईमानदारी से बोल रहे हो। बायोलॉजिकल क्लॉक तुमको कब सुलाती है, तुम्हारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक तुमको कब सुलाती है, 10:30। देखो अब ईमानदारी पे आए ना ये लोग, थोड़ा सा टाइम आधा घंटा बढ़ गया, अब थोड़ी देर बाद और ईमानदारी से वेलेट करोगे तो लगेगा 11 अभी सोते हम लोग, क्यों, थोड़ा सा कभी कुछ देख लेते हैं, कभी कुछ देख लेते हैं, कभी कुछ किताब पढ़ लेते हैं, कभी कुछ नॉवेल पढ़ लेते हैं, कभी अपनी किताब पे ध्यान देते हैं, तो आधा घंटा और लग जाता है। तो 11 बजे का मतलब ये है कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक से अवे जा रहे हैं, यू आर गोइंग अवे फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक चाहती है 9:30-10 के बीच में सो जाए। मालूम नहीं कितना आप लोग कर सकते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, खाना पीना खाते हैं, सांझ होती है, सूर्य ढलते हैं, उनकी नींद आने लगती है, जिनकी टाइम टेबल जिनका क्लॉक से जुड़ता है। सूर्य के साथ जागरण शुरू हो जाता है सभी का, सूर्य के विदा होने के साथ ही शयन प्रारंभ हो जाता है सभी का। आज क्या हो गया है कि हमारा ड्यूटी पैटर्न बहुत बदल गया है। IT वालों को देखो कितना ज़्यादा अपसेट टाइम टेबल होता है, रात का टाइम टेबल उनका गड़बड़ पूरा थ्रू आउट, रात में कब जग रहे हैं। मैं 3-3 रात मैंने जगते हुए अपनी ड्यूटी निभाई है, इंटेंसिव केयर यूनिट में, अपनी हाउस जॉब में, अपनी रेजिडेंसी में, अपने मेडिकल कॉलेज की नौकरी में, मैंने 3-3, 4-4 रात में जीजी को कह के जाता था कि मैं अभी तो एक रात के कपड़े ले जा रहा हूँ, परंतु अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मंगा लूँगा। तो मैं अपने इंटर्न से या अपने हाउसमैन से भेज करके मंगा लेता था, 3-4 रात तक वहीं खाना भी वहीं खाना, और वहीं सोना, वहीं नहाना, वहीं ड्यूटी रूम होता था उसी में, क्योंकि पेशेंट्स नहीं जान देते ना, आपको अपनी ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते, आप बहुत जिम्मेदार हैं, तो वो जिम्मेदारी को निभाना है।
वहाँ रात में बहुत देर देर था, हम कभी कई बार रात, अब मेरे से पूछोगे आपकी बॉडी क्लॉक मेडिकल कॉलेज में कैसी थी, बहुत गड़बड़ थी। रात को 1:30 बजे हम फ्री होते थे सारे के सारे पेपर्स पूरे करके, फिर हमारे सर का राउंड होता था 1:30 से 2:30 तक, हमारे प्रोफेसर का, HOD का, और 2:30 बजे तक 3 बजे तक वो पढ़ाते थे, सिखाते थे, ECG वगैरह सब दिखाते थे, और उसके बाद जब वो चले जाते थे हमको लगता अब कोई नहीं आएगा, तो फिर हम लोग स्कूटर पे बैठ के सराफा जाते थे, इंदौर के सराफा बाज़ार में, वहाँ पोहे खा के आते थे हम लोग, पोहे जानते ना क्या होते हैं, है ना, हाँ वो खाने जाते थे, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता था, पूरा पूरा कमजोरी हो जाती थी, तो उसको खा के आते थे हम लोग। तो इसलिए बता रहा हूँ मैं कि ये बॉलीवुड क्लॉक टाइम टू टाइम गड़बड़ाती रहती है, ड्राइवर्स की बढ़ जाती है, ड्राइवर पायलट्स की गड़बड़ा जाती है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से तो आपका 3 घंटे जुड़ गया, 6 घंटे जुड़ गया, 8 घंटे जुड़ गया, 9 घंटे जुड़ गया। मैं अलास्का गया था, वहाँ 13 घंटे अंतर दोनों में, जाने आने जाने में। ये क्यों होता है, इतना क्यों गड़बड़ी क्यों होती है, ये इसलिए होती है कि हमारे टाइम के अलग अलग स्लॉट बने हुए हैं, पूरे पूरे 16 से लेकर 18 स्लॉट हैं पूरे पूरे यहाँ से वहाँ तक, ये सब गड़बड़ाते जाते हैं। रशिया में ही 8 टाइम स्लॉट हैं, 8 जो रशिया में प्रॉपर में ही, इसलिए आप जानते हैं कि हमारा जो सब कुछ है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। परंतु अगर आप एक टाइम जोन में रहते हैं, एक टाइम जोन, जैसे भारत का टाइम जोन एक ही है, हम लोग ग्रीनविच के साथ 3.5 घंटे 4.5-4 घंटे का डिफरेंस रखते हुए चलते हैं, और गर्मी के दिनों, ठंड के दिनों में ये उन लोगों का बदल जाता है, हमारा नहीं बदलता, हमारा तो वही रहता है था, उन लोगों बदल जाता है। अमेरिका वाले हमसे 10.5 घंटे आगे हो जाते हैं, इंग्लैंड वाले हमसे 5.5 घंटे आगे हो जाते हैं, पर इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी घड़ी में क्या हुआ, आपकी घड़ी में कोई चेंज आया या आपको कुछ परिवर्तन आया, पर आपकी इंटरनल क्लॉक नहीं गड़बड़ानी चाहिए, उसका नाम है बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो हम कम लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर शयन और जागरण का प्रभाव नहीं पड़ता, चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी बीमारी, थोड़ी थकान अपने आप हो जाती, इन लोगों को भी हो जाती है जो लोग क्लॉक के साथ नहीं चल पाते, अपने आप ही बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जो चलते हैं, तादाद में और तालमेल बिठा लेते हैं, अपनी दिनचर्या को सूर्य के साथ समसुरता लाते हैं। संस्कृत में एक वाक्य है, चत्वारी तस्य वर्धन्ते, चार चीज़ें हैं, चत्वारी यानी चार चीज़ें, आयु, विद्या, यशो, बलम। अगर आप समय को पालन करते हैं तो आपकी चार चीज़ें बढ़ती हैं, क्या, अगर आपकी बॉडी क्लॉक मेंटेन है तो चार चीज़ें बढ़ती, क्या, आयु, विद्या, यश और बल। इसमें विद्या और यश मानसिक है और आयु और बल शारीरिक है, आयु और बल शारीरिक और विद्या और यश मानसिक। सूर्य के साथ जुड़ने का, सूर्य के साथ तल्लीनता, सूर्य के साथ तन्मयता का एक कमाल है, जाने अनजाने चेतन अचेतन रूप से हम सूर्य से जुड़े रहते हैं, इस रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, जन्म जन्मांतरों से हमारा ये संबंध बना हुआ है सूर्य के साथ। जो इस जैविक घड़ी के विपरीत चलते हैं उनको प्राचीन भाषा में हम असुर कहते हैं, असुर कहते हैं ना, जो सूर्य के साथ नहीं चले, जो अब ये गा रहे थे बजा रहे थे, अगर ये एक इनमें से एक भी असुर हो जाए तो कुछ का कुछ तबला कुछ का कुछ बनने लगे तो ये असुर हो जाएंगे पूरे पूरे, और फिर वो असुर जो है वो नहीं होगा, हमको सूट नहीं करेगा, ताल का नहीं होगा वो। तो ताल जो है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ताल में चलना। पाताल लोग उसको कहते हैं जहाँ असुरों का निवास है। पाताल लोग क्या है, वहाँ सूर्य नहीं है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, ये इसमें छिंदवाड़ा बालाघाट के आसपास एक इलाका है जहाँ पाताल लोक है, नीचे बहुत गहराई में, कोई जानता है, हाँ बेटा कौन सा जगह है उसका नाम, पातालकोट, हाँ मैंने पाताल कोट ही लिखा था, मैंने पातालकोट, मैं एक बार गया हूँ और नीचे तक गया हूँ अंदर तक, पर वो बस यही है कि उस अंधेरे से निकलने का मन करता है बार बार, पर वहाँ लोग रहते हैं, उसमें रहते हैं। असुरों का एक नाम और है, निशाचर। हमारे बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो निशाचर होते हैं, घूमने का मन करता है रात में घूम के आते हैं निशाचर, निशा में जो चलते हैं और निशा में जो चरते हैं, चलते भी हैं और चरते भी, चरना है ना खाना, तो जो रात में चलते हैं, रात में मतलब बहुत गहरी रात में। हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि चुपचाप रात्रि काल में जाएंगे लंका में और माता सीता का पता लगा लेंगे। जैसे ही रात्रि शुरू होने वाली थी चहल पहल बढ़ गई, उनका रात्रि शुरू होगी तो सब सोने ही लगेंगे, पर वहाँ तो चहल पहल बढ़ गई। विचित्र बात यह है कि जैसे ही रात्रि शुरू होने वाली थी आमोद प्रमोद के साधन जुड़ गए,
सब नाचने लगे जोर जोर से और सब गाने लगे बजाने लगे, पूरा पूरा मनोरंजन के साधन खुल गए। पब जैसे पब खुल जाते हैं ना आजकल, और क्लब खुल जाते हैं, पब खुल जाते हैं, ऐसे गीत संगीत बजने लगा। और ये करीब 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो बहुत पीक पे आ गया। हनुमान जी वेट कर रहे हैं, अपनी घड़ी देख रहे हैं बार बार कब कब बंद होगा इनका शोर शराबा। फिर रात्रि बढ़ती गई, जीवन और चहल पहल पाने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे ही सुबह का समय आने लगा 3, 4, 5, वैसे देखा कि वहाँ सबके सब धीरे धीरे रात ढलने लगी, सवेरा होने लगा, सब निशाचर सोने लगे। और 6 बजे तक तो सब सो गए, 5-6 बजे तक सब सो गए। ये कैसा सूर्य उदय होने वाला है, निशाचर सो गए, इसीलिए इनको राक्षस कहा जाता है, राक्षस असुर। एकमात्र विभीषण जी थे लंका में जो कि सवेरा हुआ तो वो श्री राम जय राम करते हुए उठे। उन्होंने कहा ये कौन है, निशाचरों की नगरी में ये कौन, रावण की नगरी में ये कौन है, ये कोई अलग आदमी है, सूर्य से जुड़ा हुआ है, ये अवश्य कोई भला आदमी है, ज्ञानवान व्यक्ति है। देखो भले आदमी की पहचान क्या है, सूर्य से जुड़ा हुआ, भले आदमी की पहचान है सूर्य से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा ये कौन है, इसको देखना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा सूर्य से जुड़ने का अर्थ ज्ञान है। तो उन्होंने बल विद्या चारों कैलकुलेट किए, सूर्य के साथ सामंजस्य किसका है। उन्होंने कहा ये अवश्य भला आदमी होगा, शत्रुओं का गढ़ है, शत्रुओं की नगरी है, लेकिन इसके मन में उच्च आदर्श बसते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ने सोचा साधु ते होई न कारज हानि, साधु से किसी कार्य में हानि नहीं होती, वो तो साधु वेश में है, इससे अवश्य मिलेंगे। पूरी लंका नगरी में यही एक व्यक्ति है जो सूर्य के साथ सामंजस्य बिठाए हुए हैं, जागरण में वेला में उठ गया है। वो अंदर गए, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य का प्रकाश धारण कर रहा था दोनों हाथ से और ऐसे लगा रहा था पूरा। उन्होंने कहा कि ये वास्तव में सही अर्थों में ऐसा व्यक्ति है जिसने राम का काम करने के लिए हमको उपयोगी मिल सकता है, जीवन में ऊर्जा का प्रवेश आने लगता है जैसे ही सूर्य आता है। हनुमान जी विभीषण जी से मिले, विभीषण जी ने उनकी सहायता की, अद्भुत मिलन था। एक व्यक्ति राम का काम करने आया था, एक व्यक्ति जो राम का प्रकाश फैलाने आया था, एक हनुमान सूर्य के शिष्य हनुमान और एक विभीषण सूर्य के साथ समसरता वाले। तो इस तरह से ये एक सामंजस्य बैठा तो विभीषण मिल गए उनको। कहते हैं धरती में बाद में कुछ ऐसा क्षण आया, कुछ ऐसा समय आया, कुछ ऐसा अंधेरे का समय आया जबकि लोगों को सूर्य उपासना से वंचित कर दिया गया, सूर्य उपासना से वंचित कर दिया गया। और ये अंधेरे का समय था, अंधेरे सूर्य उपासना का मतलब गायत्री साधना से वंचित कर दिया गया, गायत्री मंत्र सूर्य की उपासना का मंत्र है, सूर्य की साधना का मंत्र है। जो हम सूर्य की साधना करते हैं उसके लिए मंत्र की जरूरत पड़ती है, और वो मंत्र जो है वो इस अनुष्टुप छंद के माध्यम से, जो हमारा गायत्री मंत्र है उसके माध्यम से। खासतौर पर महिलाओं को, नारियों को नहीं, गायत्री नहीं जपेंगे तो नारियों और गायत्रियों नारियों स्त्रियों का वैदिक मंत्र को उच्चारण नहीं करेंगे, उनके लिए एक प्रकार से काला युग आ गया, स्त्रियों की चेतना क्षीण होने लगी। वाल्मीकि रामायण में भगवती सीता संध्या वंदन करती हैं, संध्या वंदन के साथ साथ सूर्य के साथ जुड़ाव, संपूर्ण जीवन चेतना का ये सब दिखाई पड़ता है। केवल ऐसा नहीं, शरीर स्वस्थ रहता है। लोग समझते हैं सूर्य के साथ जुड़ने में, सूर्य के साथ बैठने में विटामिन डी मिलता है तो हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आधा घंटा ठंड के दिनों में बैठ जाइए, पर हमारा मन भी स्वच्छ रहता है। सूर्य के साथ जुड़ने से हमारा मन भी स्वच्छ रहता है, शरीर में विटामिन डी जाता है, पोषण होता है। जैसे जैसे हम सूर्य से विमुख होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में सूर्य की किरणों का संगीत थमता जाता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में विसंगतियों का शोर बढ़ता जाता है। आप उदाहरण देखने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, पुणे चले जाइए, सब जगह आपको रात को 9 बजे बाद जो लंका में चल रहा था वो सब दृश्य वहीं मिलेगा आपको देखने को, सब वहाँ मिलेगा। रात जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, और दो तीन बजे तक 4 बजे तक आराम से सब या तो डूबे होंगे अपने मोबाइल में, अपने फ़ोन में, या अपने कंप्यूटर में, या अपने लैपटॉप में, या फिर शराब में, या फिर डांस में, बेले में। ये जो जितने भी लोग हैं इन लोगों ने सूर्य से विमुख जीवन जी रहे, इनका जीवन में जुड़ाव नहीं है सूर्य से। ध्यान का इसीलिए सर्वोत्तम प्रकार है सूर्य का ध्यान, ध्यान का इसीलिए सबसे बेस्ट अगर वेराइटी अगर हो सकती कोई वह सूर्य का ध्यान, वो भी उगते हुए सूर्य का ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। कभी उगता हुआ सूर्य देखो धीरे 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 ऊपर आता, ऊपर नहीं आ रहा है, वो तो वहीं टिका हुआ है, धरती घूम रही, धीरे धीरे धरती घूम गई। सूर्य का उगता ध्यान, उगते हुए सूर्य का ध्यान। नील गगन में जो सूर्य को उदय होते देखते हैं, अरुण सूर्य को दूसरे जो साथ ही साथ अपने अंतर गगन में सूर्य को उदय होते देखते हैं, दो गगन है, एक बहिर्गगन एक अंतर गगन,
उनके अंतर गंगन में भी सूर्य उदय हो जाए, उगते हुए सूर्य की अर्चना अभ्यर्थना, उगते हुए सूर्य से जुड़ाव, ये हमारी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है उगते हुए सूर्य के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। हम आर्य हैं, आर्य कौन? श्रेष्ठता के प्रतीक, श्रेष्ठता के प्रतिमान। आर्यों के जीवन का केंद्र क्या है? सूर्य। आर्यों के जीवन का केंद्र सूर्य है। अगर सूर्य है तो प्रकाश ही प्रकाश। सूर्य की उपासना अनेक मंत्रों से, अनेक सूक्तों से की गई वेदों में, परंतु सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तीन व्याहतियाँ, भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम पहला, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा, धियो यो न प्रचोदयात् तीसरा, ये तीन उसके चरण हैं। परिभाषित करता है सूर्य को गायत्री मंत्र और प्रतिष्ठित करता है। गायत्री मंत्र का मतलब है मानव जीवन में सूर्य की प्रतिष्ठा। गायत्री मंत्र का एक ही अर्थ है। आपसे कोई पूछे गायत्री मंत्र क्यों जपते हो भाई तुम, गायत्री परिवार वाले क्या है हो, कैसे हो, क्या गायत्री क्या है आपको मालूम है? आप बोलना कि आपके जीवन में अंधेरा है, हमारे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है। क्यों? क्योंकि हम गायत्री का जप करते हैं। हम घरों में मंदिर बनाते हैं, पूजा स्थली बनाते हैं, पूजा के कार्य में कोई निषिद्ध कार्य नहीं करते, भगवान की उपस्थिति है यहाँ पर, इसलिए पूजा स्थली में बैठ कर हम कोई गलत काम नहीं करते। भगवान के मंदिर में बैठ कर किसी को जुआ खेलते देखा है आपने? वहाँ गायत्री मंत्र के बजाय वहाँ जुआ खेला जा रहा हो, ऐसा तो कभी कहीं नहीं होता होगा ना, कहीं नहीं होता होगा। हाँ, कोई शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता। मंदिर के सामने जब हम जाते हैं आस्थावान है, सिर्फ श्रद्धा से झुक जाता है। ऐसी महिमा है मंदिर की। ये ब्रह्मांड जो है ये सूर्य का मंदिर है, पूरा ब्रह्मांड सूर्य का मंदिर है। ब्रह्मांड के रूपी मंदिर में सूर्य उस परमेश्वर की साक्षात जागृत जीवंत प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा है, जीवंत जागृत प्रतिमा है, ब्रह्मांड में प्रकाशित है। ग्रहमंडल का केंद्र है सूर्य, ग्रहमंडल का केंद्र है सूर्य। एक वो है मही देवस्य सविता परितुष परिष्टुति, महान है देवता सविता देवता की प्रार्थना। मही देवस्य सवितुः परिष्टुति, महान है देवता सविता देवता की परिष्टुति उपासना। सु और इर मैंने सूर्य बता दिया था, प्रेरणा, सुंदर प्रेरणा देने वाला सूर्य। और इसके अलावा सूर्य जो है वह हमारे लिए आह्वान का मंत्र है, पॉजिटिविटी से लेकर हर चीज़ को बुलाने का मंत्र है। इसलिए गायत्री छंद है, संस्कृत में अनेक छंद हैं, छंद काव्य का मीटर है। गायत्री गायत्री छंद है, अनुष्टुप त्रिष्टुप पंक्ति बृहति ये सब छंदों के नाम है। जैसे हम हिंदी में कविता कहते हैं दोहा चौपाई कवि कवित्व सवैया धनाक्षरी, ये सब क्या हिंदी कविताओं के छंदों के नाम है, पर संस्कृत काव्य में अलग अलग नाम है, गायत्री पंक्ति त्रिष्टुप बृहति अनुष्टुप बहुत सारे। इसलिए क्या कहा जाता है गायत्री छंद साम माता, सारे छंदों की माता गायत्री है। भगवान कृष्ण गीता में कहा है गायत्री छंद साम माता। छंद, छंद शब्द के दो अर्थ हैं, छंद यानी कि लय, काव्य में लय होती है, शब्द को एक लय में एक स्वर में पिरोती है। आप किसी बात को यूं कहिए उसी बात को लय में कहिए, जैसे आप किसी बात को यूं ही कहिए हमने जो कहा वो आपने सुना सुना, इसी को लय में कहिए और लय में कहिए रिदम में कहिए, हमने जो कहा वो उसको आपने सुना क्या, ये लय है, ये रिदम है, रिदम में कहना। कई बार पुराने ज़माने में जो भारतेंदु हरिश्चंद थे उन्होंने कई ड्रामे ऐसे लिखे थे जिसमें कि आपस में संवाद ही गेय में होता था, आपस में संवाद ही लय में होता था, छंद में होता था। एक फिल्म आई थी चेतन आनंद की जिसमें सारा के सारे डायलॉग शुरू से लेकर आखिर तक पूरे गेय थे, पूरे के पूरे। वो फिल्म इतनी फ्लॉप हो गई कोई लोग सुनना नहीं चाहता था। भाई कौन मीनिंग निकालेगा, जब तक सुनेगा मीनिंग निकालेगा, इसके बजाय सीधे अपने सीधे साधे हिंदी में भाई कैसे हो आप, ये ठीक है, इसी को अगर आप गा के सुनाओगे तो कैसे काम चलेगा। पर ये जो गायत्री जो है ये वेद जननी है, गायत्री ज्ञान की माता है। गायत्री का एक और थर है गाय यानी प्राण, त्रय यानी त्राण, प्राण का की रक्षा करने वाली। गायत्री का जो चेतना का जो स्रोत है वो सूर्य है। ओम जो है वो सूर्य को आकर्षित करता है, ओम परमेश्वर है, इनको ध्यान बीज, ओम को ध्यान बीज कहा गया है। किसी भी मंत्र का एक बीज होता है ध्यान बीज, वो ध्यान बीज ओम है गायत्री मंत्र का। समस्त अनंत सृष्टि का केंद्र है, अनंत अनंत सृष्टि में जिसकी पावनता बिखरी हुई है। हमारे यहाँ एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, बड़ी तारीफ करता है ओम की, ओंकार के ध्यान बीज की, और भी ओंकार के जो 3.5 मात्राओं वाला मंत्र है उसके बहुत सारी बातें करता है। भू यानि धरती, भुव यानि अंतरिक्ष, और स्व यानि स्वर्ग। तो अपने शरीर धरती में ये तीनों चीज़ें हैं, शरीर में भी ये हमारी धरती स्वर्ग और अंतरिक्ष और स्वर्ग है। ये देह प्राण और मन में है, देह प्राण और मन में तीनों चीज़ बैठी हुई हैं। वो परमेश्वर इन तीनों को में व्याप्त है,
और हम उनमें प्रतिष्ठा कर रहे हैं सूर्य की। ऐसे सविता देवता को जो सविता रूप हैं हम उनका वर्णन करते हैं। किसको वर्णन करते हैं? श्रेष्ठता का वर्णन। पहला स्टिंजा है सवितुर्वरेण्यम तत्सवितुर्वरेण्यम, श्रेष्ठता का वर्णन, श्रेष्ठता को चुनना। जैसे हम अपनी लड़की के लिए लड़का चुनते हैं तो हम वर चुनते हैं, वर वर यानी वर्ण, वर्ण करते हैं। हर किसी को नहीं करते, बाहर निकल के किसी को भी रोक के कह दें भाई साहब हमें लड़की शादी करोगे क्या, हर किसी से नहीं कह सकते ना। जब आप अच्छी तरह से चुन लेते हो, अच्छी तरह से ठोंक बजा लेते हो, तब जाके आप शादी सारी कार्रवाई पूरी कर लेते हो, तब उसके बाद आप शादी करते हो, है ना। वर्ण श्रेष्ठता का, निकृष्टता का नहीं, श्रेष्ठता का वर्ण। बस ये ध्यान रखना, प्रकाश का वर्ण, जीवन का वर्ण, सकारात्मकता का वर्ण, प्रकाश का वर्ण, जीवन का वर्ण, सकारात्मकता का वर्ण, ये हम तत्सवितुर्वरेण्यम। जब हम सब ओर से प्रकाश की अनुभूति प्राप्त करते हैं तो हम सविता का वर्ण करते हैं, और वर्ण करने के साथ, ध्यान करने के साथ, उनकी अर्चना अभ्यर्थना करने के साथ हमें प्राप्ति होती है तेज की। भर्गो देवस्य धीमहि, पापनाशक तेज, उनका पापनाशक तेज हमें प्राप्त होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, उसके परम देव के तेज को हम धारण करते हैं। और धारण करना यानी बहुत बड़ी चीज़, धारण करने से हमको धारणा की क्षमता आ जाती है। धारणासु योग्यता मनसः, हमारा पतंजलि योग सूत्र कहता है धारणासु योग्यता मनसः, मन की योग्यता बढ़ जाती है धारण करने से। और धारण करते ही हमको ध्यान के लिए विषय मिल जाता है। सूर्य के जितने गुण हैं, सूर्य गायत्री मंत्र की जितनी क्वालिटीज़ हैं, उन सब पर हम ध्यान करते रहें तो सोचते सोचते उसी पर ध्यान केंद्रित हो जाएगा हमारा। इसी धारण के ध्यान की योग्यता प्राप्त कर लेता है। हम धारणा करना सीख जाएं तो परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। सूर्य की धारणा, सूर्य के तेज को धारण करना, सूर्य के तेज को धारण करना। सूर्य से अमृत बरसता है, अमृत वृष्टि होती है, तो हम पूरे के पूरे अमृतमय हो जाते हैं। धारणा पक्की हुई, ध्यान पक्का हुआ, समझो कि जीवन में रूपांतरण पक्का हो गया। अब हम पकते चले जाएंगे, रूपांतरण होता चला जाएगा, परिवर्तन पक्का हुआ, हमारी चेतना प्रेरित होने लगी सन्मार्ग की ओर। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि, हमारी चेतना सन्मार्ग की ओर चले, हमारी चेतना सन्मार्ग की ओर चले। सूर्य की उपासना का मंत्र है और वेदों का सार है, ज्ञान की माता कहा गया, वेद की जननी कहा गया गायत्री को। सूर्य इसके एक एक मंत्र, एक एक अक्षर से वेद के जो 24 स्वर बने, 24 स्टार्टिंग पॉइंट बने हैं, वो एक एक अक्षर से बने हैं। 24 से 2400, 24000, 24 लाख जो उसके ब्रांचेस बनती चली गई, वो इसी से बनी गायत्री मंत्र। इसीलिए इस गायत्री मंत्र को, गायत्री को वेद माता कहा गया है। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानम, ये सारा का सारा जो बताया जाता है वो इसलिए बताया जाता है। जैसे जैसे सूर्य की चेतना के साथ, सूर्य के भावों के साथ सामंजस्य बैठता है, जैसे जैसे हम उसके साथ अपने आप को तालमेल बिठाते हैं, वी ट्राई टू डायल्यूट अवर सेल्स विद कॉन्शियसनेस ऑफ द सन। हम अपने आप को कंसेंट्रेटेड वे में सूर्य की चेतना के साथ हम घुल लेते हैं। रंगरेज कपड़े को जब रंग में डालता है तो कपड़े का रंग बदल जाता है। हमारा मन जो जो ध्यान में डूबता है तो नारंगी तेज जो होता है सूर्य का अर्ली मॉर्निंग का, उसके ध्यान में डूबता है तो हमारा मन बदल जाता है, मन की चेतना बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा परिवर्तन, ऐसा रूपांतरण होता है, काक हुई पिक पकहूँ मराला, कौआ उसकी बोली कौवे की बोली जो है, कौवा कोयल बन जाता है और बगुला हंस बन जाता है। मतलब क्या हुआ है कि कौवा भी काला, कोयल भी काली, पर रंग से मतलब नहीं है, प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाए, बगुला भी सफ़ेद होता है, हंस भी, लेकिन बगुला कुछ और करता है, क्या करता है? बको ध्यानम, बक का ध्यान किस क्या कहलाता है? बक का ध्यान क्या कहलाता है? आँख बंद करके मछलियों के बीच में पड़े खड़े रहो, चुपचाप एक पाँव से, जैसे समाधि करने वाला साधु हो, और जहाँ मछली पास आई वैसे झट से टोच चोंच उठाई डाली और सब मछली पकड़ ली। मछली को पता भी नहीं चल पाया ये कौन, ये तो हम तो इसको ऋषि मुनि समझे थे, अरे ये तो बदमाश निकला, हमारे एक साथी को खा गया। बको ध्यानम, जब कोई ऐसा 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 बगुला ध्यान करता है ना तो उसको ये कहा जाता है, ये बको ध्यान करते हैं। सूर्य का ध्यान, जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है, ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंतर्गगन में सूर्य उदय होने लगता है, अनुभूति प्रगाढ़ हो जाती है। हमारे अंतर भावनाओं में सूर्य कितना प्रतिष्ठित हुए, इससे मतलब है। हमने कितने मंत्र जपे इससे मतलब नहीं है। देखो तुम लोग कभी मंत्र की गिनती से मत, मेरे पास कितने लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने 40 लाख कर लिए, हमने 40 करोड़ कर लिए, हमने इतने करोड़ करने वाले हैं, ये करना। मैं कहता हूँ कितने करोड़ कर लो, मन लगा कि नहीं तुम्हारा? मन लगा कि नहीं?
मन उसमें एकाकार हुआ कि नहीं, गायत्री की साधना करते समय गायत्रीमय हुए कि नहीं, सूर्यमय हुए कि नहीं। नहीं हुए तो कोई फायदा नहीं, आप गिनती नहीं गिनती, भगवान के यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। गायत्री माता के पास कुछ भी नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, गायत्री माता के पास एक ही पैरामीटर है कि क्वालिटी वाइज कैसा था। सूर्य का ध्यान हमारे जीवन में प्रकाश का अवतरण लाता है। सूर्य के रथ में 7 घोड़े ऐसे कहा जाता है, 7 रश्मियाँ हैं, यही किरणें जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे चक्रों को प्रकाशित करती है, 7 चक्रों को प्रकाशित करती हैं ये 7 रश्मियाँ सूर्य की। हमारे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं तो हमारी 24 ग्रंथियाँ हैं हमारे शरीर में, इन 24 ग्रंथियों को प्रकाशित करती हैं। गायत्री मंत्र अंतर जगत का सूर्य है, सूर्य की प्रतिष्ठा है, प्राण की प्रतिष्ठा है। सूर्य का ध्यान, सूर्य की एकाग्रता जितनी गहरी जितनी प्रगाढ़, उतने ही हम बलवान, उतने ही हम तेजवान, उतने ही हम प्रतिभावान, उतने ही हम ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी, ये सारी चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं जितना आप सूर्य को धारण करेंगे। सूर्य की साधना करने से एक और लाभ मिलता है, सूर्य की साधना करने के साथ साथ गायत्री मंत्र को जपने से 3-3 चरण में 3-3 अक्षर हैं, ओम भूर्भुवस्सु तो व्याहति हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम एक चरण, भर्गुदेव सिद्धिमय दूसरा चरण, धियो न प्रचोदयात तीसरा चरण, इसमें 3-3 ग्रहों 3-3 चरणों से 9 ग्रह हमारे शांत हो जाते हैं। 9 ग्रह हमारे ऊपर आफत नहीं बरसाती किसी तरह की, किसी के जीवन में किसी के ग्रह की दशा खराब चल रही हो तो ये 9 ग्रहों की 9 ग्रंथियाँ प्रकाशित होने लगती हैं, आवरण नष्ट होने लगते हैं। इसलिए ये समझने की कोशिश करना कि जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य का ध्यान मल विक्षेप और आवरण को नष्ट करता है, सूर्य का ध्यान जीवन का ध्यान है, सूर्य का ध्यान जीवन का ध्यान है, सकारात्मकता का ध्यान है। उगते हुए सूर्य की प्रशंसा में जो सविता शब्द है गायत्री मंत्र का, उसमें भगवान ने कहा है, उसमें कहा गया तत्सवितुर्वरेण्यम, सविता सूर्य का वो रूप है जो उगता हुआ रूप है, उदयकालीन सूर्य। अरुण सूर्य को सविता में कहते हैं, क्यों? इसलिए कि उदयकालीन सूर्य सृष्टि को प्रसव देता है। प्रसविता सविता, प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण सविता, सूर्य इति सूर्य, प्रसविता सविता इति सूर्य, जो प्रसव करने कारण, प्रसव जानते हो क्या होता है? प्रसव क्या होता है? बच्चा जन्म होता लेता है ना, वो प्रसव कहलाता है, लेबर। मदर जन्म देती है बच्चे को तो यू लेबर कहलाती हो। लेबर लोगों ने, चूँकि उसमें बहुत थकान हो जाती है इसलिए इंग्लिश में वर्ड ढूंढा गया लेबर, पर उसका जो वास्तव में सही नाम है प्रसव, प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा से निकलते हुए। तो ये कहते हैं कि सृष्टि को प्रसव देता है सूर्य के उदय होने के साथ, जीवन और जगत एक नया जन्म पाता है, उसको सविता कहते हैं। उदयकालीन सूर्य ने, सूर्य के उदय ने, सूर्योदय को ने ज्ञानियों को आकर्षित किया। सबसे पहली बार जब देखा प्राचीन काल के ऋषि ने, उगते हुए सूर्य को देखा, आह देखते गदगद हो गया, प्रकृति कितनी प्यारी है, प्रकृति कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। फिर उसने सूर्य की अर्चना की, सूर्य को अर्घ्य दिया और उसके बाद सूर्य के साथ अपना संबंध जोड़ लिया, है ना। सूर्यदेव सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपति अनुकंपाए माम भक्तिया ग्रहण अर्घ्य देवाकर, इसको आपके हजारों दिशाओं में इसको आप फैला दीजिए। जैसे पानी बरसता है तो शुरू शुरू में बूंदें हल्की होती हैं, धीरे धीरे जमने लगती हैं, भूमि भीगने लगती है, सिंचन होने लगता है और उस सिंचन के साथ भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। इसी तरह से सूर्य से जो अमृत बरसता है, सूर्य भी ऐसा ही है, सूर्य में से अमृत बरसता है, सूर्य में हम जो ध्यान करते हैं, सूर्य से एकाकार होते हैं, हमारे अंदर भी औरों को, अनेकों को प्रकाशित करने की, उन्हें जीवन देने की, उन्हें दिशा देने की क्षमता आ जाती है। हमारे अंदर औरों को जीवन देने की, हम जिस किसी को भी कहेंगे, अगर हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे, गायत्री मंत्र को धारण कर लेंगे, आत्मसात कर लेंगे, तो हम दूसरों को कुछ कहेंगे तो वो हो जाएगा, सच हो जाएगा। हम प्रार्थना करेंगे तेरी माँ के लिए, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं, हम भी आज मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हम अपने घर में अपने कमरे में मंदिर है उसमें प्रार्थना कर लेंगे, तो चिंता मत कर, तू भी प्रार्थना कर, हम भी प्रार्थना करेंगे। कहते हैं संत जो हैं पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ होते हैं। पारस पत्थर क्या है? केवल लोहे को सोना बनाता है, पारस पत्थर नया पारस नहीं बनाता, पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, लेकिन जिस धातु को छूता है लोहे को छूता स्वर्ण बनाता है, लेकिन पारस पत्थर पारस नहीं बना पाता। संत जो है वो दूसरे को भी संत बना देता है, संत जो है वो एक दूसरा पारस बना देता है संत के रूप में। और आप जो गायत्री के मंत्र से ऊर्जा आपने ग्रहण की है, ध्यान से जो तादाद में सूर्य का ध्यान के माध्यम सूर्य के साथ एकाकार हो रहा, वो जीवन को सूर्य जैसा बना देता, उनका जीवन सूर्य जैसा हो जाता है। इसलिए ऋषि कहता है यो असो सूर्य सो अहम अस्मि, ये जो सूर्य है सो यो असो सूर्य, ये जो सूर्य है वही मैं हूँ, सो असो अस्मि सो अहम अस्मि, ये जो सूर्य चमक रहा है मैं भी वही हूँ, मेरे अंतर गगन में भी सूर्य है, बाहर गगन में भी सूर्य है, उसी का अंश उसी का तेज उसी के समान उसी के अनुरूप, ऐसा है सूर्य का ध्यान। ऐसा कहा जाता है देवम भूत्वा देवम यजेत, है ना,
कहा जाता है ना, देव बनकर देव का यजन करूँ, देव का पूजन करूँ। शिवम भूतवा शिवम यजेत, शिव बनकर कल्याणकारी बनकर शिव का पूजन करूँ। तो देवता बनकर ये करना पड़ता है। जो ध्यान करते हैं उनकी अपनी जैविक घड़ी पहले ठीक करनी पड़ेगी उनको, आपको अपनी जैविक घड़ी ठीक करनी। घड़ी गड़बड़ा गई, रेजोनेंस गड़बड़ा गया, स्लो फास्ट हो गया, तो हम ठीक कर लेंगे। पुराने ज़माने में मिलकर सायरन बजता था, घड़ी मिला लो, मिलकर सायरन बजता था ना, तुम्हें याद है? तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, मिल बंद हो गई तुम्हारे ज़माने में तक, तुम लोगों के बड़े होने तक, तुम लोगों के इस यंग एज में आए हो तुम लोग, तो हमारे ज़माने में मिलकर सायरन बजता था, उससे पता चलता था कि ये इतने बज गए, 9:30 का साइन बज गया, 9 बजे का सायरन बज गया। ये रेलवे की घड़ी है, रेलवे की टाइम टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट चलता है। अब तो क्या है, मेरे पास ये इसकी घड़ी है एप्पल की, और ये मेरा जो फ़ोन है ये एप्पल का फ़ोन है, इससे मैच करके चलती, कभी भी एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होता। ये मेरे पास है इसलिए बता रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि सबके पास हो। क्या कर सकते हैं, हमेशा समय मिला लें, 24 घंटे में एक बार समय मिला लें, सही समय है कि नहीं, हम समष्टिगत समय के साथ मिल रहे हैं कि नहीं, चल रहे हैं कि नहीं। हमारे जीवन के दुखों का कारण, रोगों का कारण, बीमारियों का कारण एक ही है, जैविक घड़ी का न मिला पाना। जैविक घड़ी का नहीं, परमात्मा के साथ मिलाओ, साथ चलो। गलत समय दिखाने लग जाएगी तो जैविक घड़ी कैसे मिलाई जाए, किससे मिलाई जाए, सूर्य से मिलाओ। और क्या, सूर्य उग रहा है, देखो सूर्य का उगने का समय आज का क्या बताया था, 6:35, ठीक है, 6:35 आप कर लीजिए अपनी घड़ी में, उसी के हिसाब से फिर आपका शयन हो, उसी के हिसाब से जागरण हो, आहार विहार भी उसी के अनुरूप हो। जिनकी जैविक घड़ी सूर्य से मिलती है, समझो उनके अंदर ध्यान करने की योग्यता आ जाती है। जिनकी जैविक घड़ी सूर्य से मिलती है, सूर्य की योग्यता आ जाती है। खान पान आचार व्यवहार सूर्य से मिलता है, समझ लो ध्यान के लिए बैठने के योग्य हो गए। और जिनका मन सूर्य से मिलता है, समझो कि उनके जीवन में गायत्री मंत्र और सूर्य प्रतिष्ठित हो गए। और जिनके जीवन में सूर्य का अवतरण हो गया, समझो कि उनकी जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो गई, उनकी जीवात्मा परमात्मा से एकाकार हो गई। जिनके अंतर जगन में गगन में सूर्य चमकने लगे, प्रकाशित होने लगे, समझो कि उनका ध्यान सिद्ध होने लगा। फिर ये बाद में ध्यान सिद्ध साधक कहलाएंगे, ध्यान सिद्ध। रामकृष्ण परमहंस कहते थे ध्यान सिद्ध साधक बहुत बिरले होते हैं। हम भी कोशिश करें, हम भी ध्यान सिद्ध बने। चलो लाइट ऑफ कर दो, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, सूर्य का ध्यान करेंगे। सावधान शांत चित्त, सावधान शांत चित्त, स्थिर शरीर, दोनों हाथ गोद में। शांति कुंज, गायत्री कुंज, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, शांति कुंज, यहाँ हम लोग विराजमान हैं, हम लोग बैठे हैं। गंगा का तट, हिमालय की गोद, गंगा का तट, गायत्री तीर्थ, सप्त सरोवर, गंगा 7 धाराओं में बट गई है। उस सप्त धारा में बटे हुए सप्त सरोवर के पास हम बैठे। गायत्री तीर्थ सिद्ध क्षेत्र, परम पूज्य गुरुदेव ने अगणित मात्रा में श्रेष्ठ साधकों के द्वारा यहाँ जप करवाया है, खुद जप संपन्न किया है, माताजी ने जप संपन्न किया है, देव कन्याओं ने जप संपन्न किया है। मैं ये मानता हूँ तुम सब भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं गायत्री को अंगीकार करते हो, भले 5 माला करते हो कोई बात नहीं, 1 माला करते हो कोई बात नहीं, जितना करते हो उससे यहाँ जो जीवनचर्या है वो गायत्रीमय है, सूर्यमय। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त अंधकार का पलायन, घोर निशा भागती हुई,
पूर्व दिशा, पूर्व दिशा में सूर्य का उदय, उगता हुआ सूर्य रोम रोम में कणकण में हिलो रहे हैं, हमारे रोम रोम में कणकण में हिलो रहे हैं। उगते हुए सूर्य को देखते ही हम पूरी तरह से चार्ज होते चले जाते हैं। आंखों के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को, रश्मियों को ग्रहण करें। सूर्य का प्रकाश रोम रोम में कणकण में, रोम रोम में कणकण में सूर्य का प्रकाश। चिड़ियों की चहचहाट, प्रकृति का जाग उठना, पक्षियों का इधर से उधर जाना, वृक्ष वनस्पतियों में एक अलग उल्लास देखने में आ रहा है, गंगा का तट, गंगा का किनारा। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमारे पास गंगा है। सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे गंगा की लहरों में दिखाई देता है। हमारे अंतर जगत में सूर्य, हमारे अंतर जगत में सूर्य, कण कण में सूर्य, अणु अणु में सूर्य, रोम रोम में सूर्य। कल्पना कीजिए कि सूर्य हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, सूर्य का प्रकाश तेजी से हमारे अंदर प्रवेश करता हुआ और अंदर जो अंधेरा था हमारे शरीर के अंदर उसको भगाता हुआ, शरीर प्रकाशवान, मन प्रकाशवान, आत्मसत्ता प्रकाशवान, सब कुछ प्रकाशवान। प्रकाशित प्रकाश ही प्रकाश, अंदर से अंधेरा बाहर, कोई भी कोना हमारे शरीर का अंधकार में नहीं है। अब रात में थोड़ा सा रहा होगा, आलस्य रहा होगा, थोड़ा भागता हुआ, सविता सविता हमारे ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक, सब जगह कण कण में समाया हुआ।
शरीर प्रकाशित, स्थूल शरीर के कणकण में प्रकाश, कणकण में ओजस, सूक्ष्म शरीर प्रकाशित, कणकण में तेजस, कारण शरीर प्रकाशित, कणकण में वर्चस्व। प्रकाश ही प्रकाश, चारों तरफ प्रकाशित प्रकाश, पूरा शरीर प्रकाशित, दूर दूर तक प्रकाश की किरणें जाती हुई, आप पूरी तरह से सूर्यमय हो गए, प्रकाशमय हो चुके हैं, ज्योतिर्मय हो गए। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी साधक, ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी साधक, तृप्ति, तुष्टि, शांति साधक को सूर्य के तेज से, जो किसी भी चीज़ के खाने से, भोजन करने से, प्राप्त करने से, पीने से तृप्ति मिलती है, वो तृप्ति आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे अंदर, हमारी हर चीज़ अब सूर्य के साथ सिंक्रोनाइज होगी। हमारा संकल्प सूर्य को प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य को हम ध्यान का बिंदु बनाएंगे और ध्यान का बिंदु बनाकर उसको हम अपने अंदर धारण करेंगे। धीरे 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 आपका मन बहुत जल्दी लगने लगेगा, सद्बुद्धि बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बुद्धि प्रखर होगी, IQ बढ़ेगा, SQ बढ़ेगा, PQ बढ़ेगा, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। मेरे साथ साथ बोलेंगे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् पावृणि सत्यधर्माय दृष्टये। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप आप, आप सर्वेश्वर का श्रीमुख, सर्वेश्वर का श्रीमुख, ज्योतिर्मंडल स्वरूप, ज्योतिर्मंडल स्वरूप पात्र से ढका हुआ है, ढका हुआ है, आपकी भक्ति रूप, आपकी भक्ति रूप, सत्य धर्म का सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन दीजिए। उस आवरण को आप हटा लीजिए, आप हटा लीजिए। ओम ओम शांति 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 शांति। लाइट्स ऑन कर दें, दोनों हाथों में लगाएं। ये जो है ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक है, ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक, इसको तुम ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ईशावास्य उपनिषद जो 12 उपनिषद हैं प्रमुख, उनमें पहला प्रमुख उपनिषद ही है। अगर आपके मन में उमंग पैदा हो जाए और एक लय बन जाए, रिदम बन जाए, और केवल 5 मिनट का ध्यान सुबह का ये करने लगें, तो धीरे 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 15 मिनट का हो जाए, धीरे धीरे और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बहुत अच्छा, पर गायत्री मंत्र के साथ इसको करेंगे तो बहुत बहुत मन एकाग्र होने लगे, तल्लीन होने लगेगा तन में, और सबसे बढ़िया परिणाम ये परीक्षा में अच्छे नंबर, मन अच्छा, मन सुंदर, संतुलित, समस्वरित, हमेशा तालबद्ध, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। चलिए उस गुरु सत्ता को नमन करें जिनकी कृपा से ध्यान हो पाया। ओम नमो स्तुवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुवाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे।
अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वार्ष्ट सुशांतिर्भवतु।